अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं देसी पालक की सब्ज़ी, जो कि हमारी आंटी ने गांव से बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा उतार के हमारे लिए भेजी है। बहुत मज़ेदार बनने जा रही है ये डिश। आप ज़रूर इंजॉय करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। इसको हमने अच्छी तरह धो के बारीक काट लिया है। अब इसको एक पॉट में ऐड करके बिल्कुल फ्री पानी ऐड करेंगे ताकि ये बिल्कुल इसके अंदर डूब जाए, और हाई फ्लेम पे इसको रखना है। 5 मिनट हम इसको बॉईल करेंगे और फिर हम इसका तड़का तैयार कर लेंगे। पालक के बॉईल होने तक हम इसके लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। बारीक कटी हुई प्याज ली है हमने और हसब ज़रूरत ऑयल ऐड कर लेते हैं। प्याज को हल्की आंच पे हमने ब्राउन कर लेना है। याद रखें, कोई भी रेसिपी हो उसका कलर, उसका टेस्ट जो है वो प्याज के कलर पे डिपेंड करता है। आप जितना अच्छा प्याज ब्राउन करेंगी या जितना भी आपको ज़रूरत हुआ तो वही जायका आपको खाने में मिलेगा। इसलिए प्याज ब्राउन करते वक्त बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, जितना आपको ज़रूरत है इतना ही पकाएं ताकि आपको खाने का टेस्ट अच्छा मिले। हल्की आंच पे इसको हमने ब्राउन करना है। पालक हमने पानी से निकाल दी है, देख लें आप इसका कलर। हमने बहुत ज़्यादा इसको बॉईल नहीं किया, इसका कलर बिल्कुल ग्रीन है अभी, और प्याज भी बिल्कुल तैयार है। 8 से 10 हमने टमाटर लिए हैं जो देसी हैं, बिल्कुल फ्रेश हैं। इनको हमने काट लेना है और इस प्याज में इसको ऐड करके हम भून लेंगे। इनको हमने अच्छी तरह से गला लेना है ताकि ग्रेवी तैयार हो जाए। 8 से 10 मिनट तक इसको अच्छी तरह भून लेंगे। टमाटर जितने अच्छे पके होंगे इतना अच्छा टेस्ट मिलेगा हमें। अभी तक इसमें हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया था, 1 चम्मच नमक ऐड किया है। थोड़ी सी भुनाई और करेंगे फिर बाकी मसाला ज़्यादा हम ऐड कर लेंगे। बाकी के मसाला जात में हमने 1 चम्मच चिली पाउडर, 1 चम्मच टर्मरिक और मिक्स मसाला हमने लिया है, और 4 से 5 काली मिर्चें ली हैं। मसाला जात को अच्छी तरह मिक्स कर लें। हल्की आंच पे हमने इसको पकाना है, इसकी ग्रेवी तैयार करनी है। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रेवी हमारी तैयार हो चुकी है। इस ग्रेवी से पानी को बिल्कुल ड्राई करना है, और अब इसमें हम अपनी बॉईल की हुई पालक ऐड कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह मसाले में मिक्स कर लें। अच्छी तरह इसको मसाले में मिक्स कर लिया है। इसको 1-2 मिनट के लिए पकने दें। इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है हमने। तीन चार मिनट के लिए इसको कवर